गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मुझे शानू ने कहा यार अपना हॉस्टल दिखा दे थोड़ा व्यूअर्स को। तो मैंने सोचा हाँ यार, बात तो सही कह रही है, इतनी सुंदर जगह है, आप लोगों को देखनी तो चाहिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे मेन गेट में, हमारे कुछ बेस्ट मेट्स आ रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो इसलिए जो है हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए भी जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रास्ता भी दिखाया जाए और थोड़ा व्लॉग भी शूट किया जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और वो आपको जो पॉली हाउस दिख रहा है, पॉली हाउस के उधर 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 हमें अभी उधर जाना है, वहाँ पर हमारा मेन गेट है, तो जहाँ पे हमें जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग अभी पहले निकल गए, तो अभी हम लोग थोड़ा पैदल चल रहे हैं, हमने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया है क्योंकि लंबा है यार काफ़ी ज़्यादा ना, तो थोड़ा शॉर्टकट मार के हम चल गए हैं अभी। अब वैसे तो ठीक है, मैंने ट्रैक पहना हुआ है और ये जो पीछे मेरे दो आ रहे हैं ये छाते में, दिन में थोड़ा गर्म रहता है लेकिन वैसे तो काफ़ी ठंडा रहता है यार इधर। तो हम वहाँ से आना होता है हमें लॉन्ग कट, लेकिन हम शॉर्टकट यहाँ से मार के आ गए हैं। और मौसम आज बहुत सही हो रहा है, कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी धूप नहीं आ रही है। और ये दोनों जा रहे हैं, ये पिंक छाते वाली जो है इसका सामान लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी तो बहुत लंबा 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 बहुत लंबा रास्ता है सीधे उधर। रिधिमा कैसा लग रहा है जाके इधर? बहुत अच्छा। तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या मेन गेट में जब से आए हो? दूसरी बार। अच्छा, पहले किसी को छोड़ने गए होंगे ना? हाँ। और ये है कृतिका, हेलो कर दो कृतिका व्यूवर्स को। ये है मेरे फ्रेंड्स। हाँ, ये है हमारी फ्रेंड। ये है हमारी फ्रेंड। अभी जो है अभी भी काफी ज्यादा रास्ता बचा हुआ है और यहाँ जाते हुए जो है काफी अच्छी फीलिंग आती है यार। अभी तो हमारी शुरुआती हुई है, पूरा मतलब मौसम इतना सही है, पहाड़ी पहाड़ है, तो जो लोग देहरादून की सर्दी गर्मी सह रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं। यार मेरे को तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था देहरादून में, तो इसलिए मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मैं सीधे यहाँ आ गई। यहाँ आके थोड़ा सही फील हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और अगर एक बारिश आ जाए तो जन्नत है इधर। और ये वाली लोकेशन जो है ये मेरी फेवरेट है, मेरा मन करता है मैं यहाँ से चली जाऊँ कभी ऊपर। काफ़ी अच्छी लोकेशन है लेकिन अलाउड नहीं है यार, बाघ वाघ आ जाते हैं इधर, तो इसलिए मुझे लग रहा है आज बारिश आएगी। तुम्हें लगता है कि आज बारिश आएगी? क्यों, हवा तो चल रही है, बादल तो गरज रहे और हाँ यार हवा बहुत ज़्यादा चलती है इधर। और यहाँ पर भी मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ मेन गेट पर, मुझे लगता है शायद यहाँ से पानी आता है जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो। और यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, नेचर लवर्स तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इधर। मैं तो नेचर लवर हूँ यार, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जो जो भी नेचर लवर हैं उनको भी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो हमने आधा रास्ता कवर कर दिया है, उधर से हम लोग आए थे, यहाँ से ऐसे घूम के अब यहाँ आ गए हैं और अभी हमको उधर जाना है। और ये यहाँ पर लग रखा है शायद फ्रूट भी आ रखे हैं, उसमें कीवी है शायद, ये ना देखते हैं यार जब पकेगी तब देखेंगे कीवी है कि क्या है। और ये पूरा पॉली हाउस हमारा है, यहाँ हम सब काम करने के लिए आते हैं। क्या रिधिमा तुम सच में जा रहे हो क्या ऊपर? कह रही है यहाँ से जाके पता चल सकता है कौन सा फ्रूट है। क्या यहाँ पे लिखा होगा इन लोगों ने यार। और यहाँ पे जो है कीड़ों की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना। यहाँ बहुत शांति है यार, मतलब इतनी मुझे, मैं तो दिन भर सोती रहती हूँ यहाँ पे, इतनी शांति है। और ये यहाँ पर शायद लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत गहरा है यार, संभल के जाना पड़ता है। मेरे दोस्त आगे पहुँच गए हैं। यहाँ पे वैसे ना मॉर्निंग वॉक ले बहुत सही है, मतलब एकदम फ्रेश एयर और मॉर्निंग वॉक काफ़ी अच्छी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन कोई उठे तो मैं तो दिन भर सोती रहती हूँ। गॉड, सुबह सो, दिन में सो, रात में सो, दिन भर इतनी शांति है इधर ना। क्या क्या कह रहे हो तुम रिधिमा? मैं कह रही हूँ कल से हम मॉर्निंग वॉक के लिए आया करेंगे। मॉर्निंग वॉक लाया करेंगे, तुम्हें पता नहीं सुबह मैं कब उठती हूँ, आधा घंटा बचा रहे। सोच रही हूँ कि प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे अकेले चलना पड़ेगा। नहीं, अकेला अलाउड नहीं है इधर, बाघ आ जाएगा है। जो लोग उठ नहीं पाएंगे वो सपने में आएंगे, पर आएंगे। मैं तुम्हें सपने में कंपनी देने के लिए आऊंगी।
थोड़ा सा रास्ता बचा अब, और ये काफी सही रूट है। ये है आलू का गोदाम, यहाँ से तो पास ही है ना अब, है ना दीदी माँ, यहाँ से तो पास ही है थोड़ा गेट। हाँ बस अब एक और मोड़ हमें पार करनी है और हमारा गेट आ जाएगा। हम मॉर्निंग वॉक की जगह नून वॉक करने आए हैं। दिन में कर सकती, हाँ दिन में कर सकती हूँ मैं वॉक, यहाँ तो वैसे भी इतना ठंडा है यार, गर्म तो है नहीं बिल्कुल। क्या रंगोली की चादरें लगाई गई आलू, हाँ गोदाम बस। तो हम सब पहन के आए हैं शूज शूज, और रिदीमा जो है हमारी चप्पल पहन के आई है। यहाँ चप्पल पहन के ऐसे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सांप है। मैंने तो कभी देखा नहीं सांप ऐसे, तुम्हें दिखा क्या? नहीं। हाँ, कृतिका को दिखा है? और बंदर अटैक करते तो भागने में भी मुश्किल होती है, बंदर भी आ जाते हैं बीच बीच में, सांप भी आ जाते हैं बीच बीच में। हम जंगल में रह रहे हैं, क्या है वो, क्या कहते हैं इसको, मैन इन वाइल्ड। और हम लोग आ गए हैं मेन गेट पे। दीदी मैं कॉल किया उनको क्या? पहुंच गए? चलो उनकी बस भी आ गई, हम लोग सही टाइम पे पहुंचे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम हैं? अभी जिस स्पीड से भाग रहे हो ना उसी स्पीड से वापस आओगे। और ये लोग, हम लोग आ गए हैं वापस। ये है हमारा कॉलेज का मेन गेट, भरसार पौड़ी गढ़वाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और ये है हमारा वेटिंग एरिया, वेट कर रहे हैं लोग। अरे यहाँ से देख तो रहा यार वो, है ना, वहां से आए थे हम ना, वो तो है हमारा हॉस्टल। काफी दूर चल के हम इधर आए, कबूतर भी उड़ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जरा बस देखने के लिए, आई नहीं यार वो अभी तक इतनी दूर चल के हमारे शांति भी पड़ी है, तो हम और चल रहे हैं, थोड़ा और वॉक कर लेते हैं। मैंने तो निकाल दिया ट्रैक, गर्म हो गया चलते चलते, काफी ज्यादा गर्म हो गया। हाँ, गर्म तो हो रहा है यार अभी। यार देखो मुझे क्या मिला, ये है भरसार, ये है 1900 मीटर दूर। ओह माय गॉड, ऊंचा हाँ सॉरी ऊंचा की समुद्र से इतना ऊंचा, बहुत वो है यार इधर। आंटी लोग खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बस आ गई, काफी टाइम हो गया इंतजार करते। ये कैसे इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई बस आने की। अरे वो बच्चा गिर गया यार, इसे कितनी खुशी हो रही है बस आने की, बस आ गई है देहरादून वाली है ये। बाबा ये तो कितनी भर के आ रही है, यही बस है क्या? पता यही है शायद, यही है। रिधिमा तुम्हारा वेट ओवर हो गया, वही है क्या? हमारे वाली है इसमें, तुम्हें दिख भी रहे लोग? अरे उनको देखो तो सही पहले कि वो बाहर निकले कि नहीं निकले। अभी टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, देख तो कौन कौन है। और मेरी मैम भी आ गई है बस में बैठ के, मैम को पिकअप करना आए थे हमको, वो सारे बच्चे अपना सामान निकाल रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे आए, इन सब की एंट्री होगी अभी। मेरी मैम भी बैठी है, ये सब जो है अपना सामान लेके जा रहे हैं। कृतिका चलो, आधे बच्चे आगे जा चुके हैं और आधे ये जा रहे हैं। कृतिका और मैं तो आगे आ गए हैं और रिधिमा जो है वो पीछे ही रह गई अपने बैचमेट्स के साथ। ये पारस है ये भी बैचमेट है। हेलो कर रहे हैं, इसका सामान उठा रखा है मैंने, पौधे लाया है, मैं सोच रही हूँ इसके पौधे टपा लूँ। No. ये अपने हॉस्टल के लिए पौधे लाया, मैं सोच रही हूँ इसके पौधे टपा के अपने हॉस्टल में लगा लूँ। जी नहीं, जी नहीं, सर को मार ले। तो मैंने इसे कहा अब जब ये जाएगा तो ये मेरे लिए भी पौधे लेके आएगा। डन हो गई ये बात, डन हो गई। चलो थैंक यू। अभी हम लोग कर रहे हैं वेट अपने बैचमेट का, वो पीछे रह गए।
यार लड़कियों का तो ठीक है, मतलब हमारा हॉस्टल गेट से थोड़ा पास है, लेकिन लड़कों का जो है जितना हम लोग गेट से हॉस्टल हमारा है उतना ही लड़कों का डबल और है। तो ये बेचारे पैदल पता नहीं कैसे जाने वाले। तो हम जिनको लेने के लिए आए थे वो लोग वहाँ पर बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और ये इन दोनों का जो है बैग चेंज हो चुका है। हम बैग चुरा के ले आए और हमने सामान देके एक्सचेंज कर दिया, किसका उठाना है और किसका नहीं उठाना है। बैग चुरा के ले आए उनका। ये लोग देखना जरा, रेस्ट टाइम हो गया इनका भी। अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। क्या वरिद्धि में थक गई? ये मस्त है, बैग में ही बैठ गई। बैग की ओनर नहीं है उसके चक्कर यहाँ बैठ गई है, अभी तक आई नहीं यार वो। हमारा हॉस्टल तो वो है, लेकिन ये जो लड़के हैं ना इनको अभी यहाँ से घूम घाम के उधर वो जो व्हाइट वाला है ना उससे भी आगे जाना है, वहां पर इन लोगों का हॉस्टल है, डबल चलना पड़ेगा। रिधिमा क्या कर रही है? एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, हम लोग फाइनली हॉस्टल पहुंच चुके हैं, और जो हमारे साथी जिनको हम लेने के लिए गए थे वो जरा कैंटीन में आराम फरमा रहे हैं, जिनके बैग हैं उनके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। हाँ चलो वो कैंटीन यार इसे भी पार करवाना जरा। हाँ ये मेरे पास भी ये वाला है। तो हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं हॉस्टल रूम। तो यार इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मैं तो जो है जाके सोने वाली हूँ अब। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूँगी यहाँ के लिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, और हाँ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।